नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक कम दाम वाली, सस्ती बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बता रहा हूँ। और इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, आपको किन किन कारणों के कारण इसको लेना चाहिए, किन किन कारणों से इसको नहीं लेना चाहिए, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने पर आपको कैसा महसूस होगा, आपकी हाइट कितनी है तो आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आपके हाइट के अनुसार भी हम आपको बताएंगे, और आपकी लंबाई के अनुसार और आपके वेट के अनुसार भी आपको बताएंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को किस वेट के लोग आराम से चला सकते हैं, और इस पे बैठने में कैसा महसूस होता है, वो सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले जो आपको इसका डिज़ाइन दिख रहा है, तो डिज़ाइन वाइज ये काफ़ी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मतलब मैं खड़ा हो रहा हूँ यहाँ पे, मेरी हाइट काफ़ी कम है। अगर 5.56 इंच के हिसाब से देखें तो मेरे कमर के काफ़ी नीचे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो ये इसका जो हाइट है वो काफ़ी कम है, तो ये एक छोटे लोगों के लिए जिनका हाइट कम है, 5 फुट 4 इंच है 5 फुट 3 इंच है 4 इंच है, वहीं तक चला सकते हैं। अगर आपका हाइट 5.5 भी है ना, 5.4 भी इवन है, तो भी आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो एरिया है ना वो लगभग एक मिनट ये इतना ही दिया गया है। तो जो आपका पैर की लंबाई है, मेरा पैर अगर यहाँ तक आता है तो आप देख रहे हैं मेरा पैर कहाँ आएगा, तो मेरा पैर सीट के काफ़ी ऊपर आ जाएगा। तो ये जो छोटे हाइट वाले लोग हैं उनके लिए ये सही रहेगी, जो लंबे लोग हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगी। लंबाई वाइज मैं डिज़ाइन भी दिखा रहा हूँ आपको और सब कुछ भी बता रहा हूँ। अगर हम बाकी हैंडलिंग का डिज़ाइन देख ले तो ये भी पैर रखने पे काफ़ी ऊंचा आ जाएगा अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है, नॉर्मल लंबाई है तो ठीक आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे पूरा डिज़ाइन इसका देख लेते हैं, हेडलैम्प का चाहे हो जाए, तो हेडलैम्प आपको यहाँ फिक्स दिया गया है। ये हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से आती है और इलेक्ट्रिक यहाँ पर लिखा रहेगा। और ये वाइज़र दिया गया है, 12 इंच का आपको इसमें अलॉय व्हील दिया गया है, और ट्यूबलेस टायर भी आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोक्स के साथ। लिथियम आयन बैटरी इसमें आपको लगी हुई मिलती है, जो कि इसके अंडर सीट स्टोरेज में लगी हुई मिलेगी। चार्जिंग करने का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, और इसको जो चार्ज करने का टाइम है, आप इसको 4 से 5 घंटे में फुल, और 3 से 4 घंटे में अगर आपकी बैटरी कुछ चार्ज है तो फुल चार्ज कर सकते हैं। और जो रेंज है वो 60 किलोमीटर के आसपास की है, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो स्पीड है वो 25 का है। तो LX मॉडल जो होती है ये लो स्पीड इसको कही जाती है, तो ये 25 के स्पीड तक मैक्सिमम चलेगी। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो 25 के स्पीड तक ही ये मैक्सिमम जो है स्पीड पकड़ पाती है। और उसके बाद हम पीछे देखें तो मोटर यहाँ पे आपको 250 से 300 वाट का मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील जो है वो 12 इंच के दिए गए हैं, ट्यूबलेस टायर भी आपको यहाँ पर मिलता है। ग्राउंड क्लीयरेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, अगर दो लोग बैठ जाएंगे तो गाड़ी नीचे से ये वाला बॉक्स जो है बैटरी का वो सटता है, अगर एक लोग बैठते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, आप आराम से बैठ सकते हैं। सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों ही इसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें बैटरी आपको कैसी मिलती है, तो जो बैटरी है वो आपको लिथियम आयन वाली मिलती है, और बैटरी से आप 60 किलोमीटर का माइलेज ले सकते हैं। अब हम इसमें बात करें किनको लेना चाहिए, तो ये एक लो स्पीड स्कूटर है, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं, हर साल इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास नहीं है, वो लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस नहीं कराना होता है। आप क्योंकि ये लो स्पीड है तो 25 के नीचे जो भी स्कूटर चलती है उसमें आपको ये सब नहीं कराना होता है, तो उस सिचुएशंस में आप इसको ले सकते हैं। एक हल्की इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आपको कोई चाहिए तो उस सिचुएशंस में आप इसको ले सकते हैं, उन कारणों से ले सकते हैं, क्योंकि इसका वेट लगभग 65 kg के आसपास ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, उससे भी कम आता है, क्योंकि जब ये लिथियम आयन में आई है उससे कम होना शुरू हो गई है। बाकी अगर सीट साइज के देखें तो एक लोग आराम से बैठेंगे, दूसरा जो आदमी बैठेगा उसके लिए कोई फुटरेस्ट नहीं है। एसेसरी पार्ट आता है जो कि इस तरह का लोहा जो है यहाँ पे लगता है, तो ये काफ़ी चौड़ी हो जाती है, तब जाके आपको यहाँ पे फुटरेस्ट मिलेगा। अब थोड़ा लेग स्पेस देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको इतना जगह मिल जाता है पैर रखने को, और यहाँ पे देखिए तो एक जगह मिल जाता है कुछ सामान रखने को। चाबी एक नॉर्मल जैसे की ऑन ऑफ होता है वही दिया गया है, ऑन करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। स्पीड भी यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, 25 तक ये दिखाएगी, 27 दिखाती है बट 25 चलती है। इसमें आपको एक USB चार्जर भी मिल जाता है मोबाइल चार्ज करने के लिए। अब इसकी बात करें कि अगर आप परचेज़ करिएगा तो आपको वारंटी गारंटीज़ क्या मिलेगी, तो 3 साल
की वारंटी मिलती है आपको मोटर पे, बैटरी पे, कंट्रोलर पे, चार्जर पे और चेचिस पे। तो इनमें से कुछ भी ख़राब होता है तो कंपनी चेंज करके देगी, ऐसा वादा करती है। तो जब भी आप ख़रीदने जाइएगा तो दोबारा वहाँ शोरूम में ज़रूर इस बात की इंक्वायरी कर लें और वारंटी कार्ड अपना ले लें। ओके, तो चलिए अब इस स्कूटर के बारे में हम जानते हैं कि किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो जो लोग 60 किलोमीटर इस रेंज, जितना इसका रेंज है उससे ज़्यादा उनका पर डे का रनिंग हो, उनको जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर पे मूव ऑन नहीं करना चाहिए, या फिर उनको हाई रेंज जिसका किलोमीटर रेंज ज़्यादा हो उस पर जाना चाहिए। और ये जो है लो स्पीड का मतलब होता है कि आप अगर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर डे चलते हैं, 30 किलोमीटर के आसपास ही मानिए, तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर इसको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पर डे चलते हैं तब, अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो दाम आपको 50 से 60 हज़ार के बीच में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगी। तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके इसको देख सकते हैं, चला कर देख सकते हैं चलने में कैसी है। धन्यवाद।